हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ASLE 9611। तो गाइस, ये आप सब जानते ही होंगे कि कल्पना चावला भारत की ऐसी पहली महिला थी जिसने अंतरिक्ष में जाने का अपना सपना साकार किया था। और कल्पना चावला एक बार नहीं बल्कि दो बार अंतरिक्ष में गई थी, पर दुख की बात यह है कि दूसरे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उनकी स्पेस में ही मौत हो गई थी। चलिए आज मैं आप लोगों को कल्पना चावला के बारे में पूरी कहानी बताती हूँ। गाइस, शुरू करते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। बचपन में ही उनको रॉकेट, एयरप्लेन वगैरह की ड्राइंग करने का बहुत शौक था और रात को आसमान में तारे देखना बेहद पसंद था। घर में 4 भाई बहन थे जिसमें कि कल्पना चावला सबसे छोटी थी। और ये आपको शायद आज पहली बार ही पता चलेगा कि घर में कल्पना को प्यार से सभी मोंटू कहते थे। उन्होंने पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। वहाँ उन्होंने एयर स्पेस और इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कंप्लीट की। फिर उन्होंने 1988 में PhD डिग्री भी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद कल्पना चावला की अंतरिक्ष के बारे में नॉलेज हुई और अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत हुई। कल्पना चावला ने 1988 में ही नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया था। अप्रैल 1991 में अमेरिका की नागरिकता भी कल्पना चावला को मिल गई थी। 1995 में कल्पना ने नासा एस्ट्रोनॉट ज्वाइन किया। इसके बाद कल्पना चावला ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया। फिर उनकी मेहनत और लगन को देखकर नासा ने कल्पना को स्पेस शटल कोलंबिया मिशन की टॉप टीम में शामिल कर लिया था। ये मिशन 1997 में स्टार्ट हुआ था और लगातार 15 दिन तक यह मिशन चलता रहा। मिशन में कल्पना चावला ने प्रोटोटाइप आरंभ ऑपरेटर का काम किया था। यह मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा था और इसी मिशन की कामयाबी को देखते हुए कल्पना चावला को दूसरे मिशन में भी शामिल कर लिया था। यह मिशन भी स्पेस शटल कोलंबिया में ही होना था। यह मिशन 16 जनवरी 2003 को स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। यह मिशन 16 दिन तक चलता रहा, पर आखिर में शटल जब धरती पर वापस लौट रहा था तो इसमें एक हादसा हो गया और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसमें कल्पना के साथ बाकी जो 5-6 लोग थे सबकी दर्दनाक मौत हुई। अब गाइस, मौत कैसे हुई ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि शटल क्यों इस तरह से फट गया था और क्यों इतने टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो चलिए आज ये सब कुछ जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। स्पेस शटल को अंतरिक्ष में रॉकेट के थ्रू भेजते हैं और रॉकेट में भी फ्यूल का यूज़ करते हैं। ये फ्यूल भी दो तरह के होते हैं, प्रीमाइक्स फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। स्पेस के अलग अलग पार्ट का अलग अलग टेम्परेचर होता है, जैसे निचले हिस्से का टेम्परेचर 2300 डिग्री तक होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक टाइल्स का यूज़ करते हैं। और स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से का टेम्परेचर 1200 तक चला जाता है, इसलिए यहाँ पे वाइट टाइल्स का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा तापमान पंखों के हिस्से पर होता है, इसलिए यहाँ पर रीइंफोर्स्ड कार्बन का यूज़ करते हैं, जो कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बर्दाश्त कर सकती है। कोलंबिया मिशन 300 दिन 17 घंटे और 22 सेकंड अंतरिक्ष में चलता रहा। शायद यही कारण था कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर शटल बर्दाश्त नहीं कर पाया। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन का टुकड़ा अलग हो गया और स्पेस शटल के वायरिंग से टकराया। तब रॉकेट की स्पीड 740 प्रति सेकंड थी। इसकी स्पीड की वजह से इस टुकड़े ने ही 6 से 10 इंच का एक होल कर दिया था और 1 फरवरी 2003 को 9:16 पे ये स्पेस शटल लैंड करना था, पर इस होल के कारण वायुमंडलीय गैस स्पेस शटल के अंदर चली गई थी और सभी एस्ट्रोलॉजर्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई थी और सब 10 सेकंड के अंदर अंदर बेहोश हो गए थे। इसकी वजह से कंट्रोल रूम से भी कॉन्टैक्ट टूट गया था। शटल तो 9:16 पे लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही 9 तक कोलंबिया मिशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था और सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद नासा को 2 साल के लिए मिशन से हटा दिया गया। वैसे तो आज के टाइम में नासा ने बहुत ज़्यादा अपने स्पेस शटल में बहुत ज़्यादा फंक्शन ऐसे कर दिए हैं जिसकी वजह से जो उसमें यात्री बैठे होंगे उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन नासा अगर ये सब कुछ सुविधाएँ पहले कर देता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। 5 फरवरी 2003 को भारत के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 2004 में कल्पना चावला पुरस्कार युवा महिलाओं के लिए स्थापित किया गया।